दुनिया भर में बच्चों और महिलाओं का यौन शोषण रोकने पर सख्ती की बात हो रही है। इटली इसमें एक कदम आगे निकलते हुए पीडोफाइल्स के केमिकल कैस्ट्रेशन को कानूनी मंजूरी देने जा रहा है। अब एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसे लागू करने पर काम करेगी। विपक्ष इसका विरोध करते हुए फैसले को एक्सट्रीम बता रहा है, लेकिन मेलोनी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। आइए जानते हैं क्या है केमिकल कैस्ट्रेशन, ये कैसे काम करता है और ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पीडोफाइल्स या रेपिस्ट्स के लिए ये सजा दी जाती है। इटली में पीडोफाइल्स के केमिकल कैस्ट्रेशन को हरी झंडी मिल गई है। ये रेपिस्ट को दी जाने वाली सजा है, जिसे केमिकल कैस्ट्रेशन पनिशमेंट कहते हैं। ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें शरीर में हार्मोन के स्तर को काफी कम कर दिया जाता है। यौन अपराधियों की बात करें तो इसमें मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना घटा दिया जाता है कि अपराधी में ऐसी इच्छा ही ना आए या बहुत कम हो जाए। केमिकल कैस्ट्रेशन का असर एक तय समय के बाद खत्म भी हो सकता है और हार्मोन स्तर दोबारा सामान्य होने पर यौन अपराधी फिर क्राइम कर सकता है। इसलिए ऐसी सजा पाने वाले अपराधियों को तय वक्त के बाद दोबारा ड्रग देनी पड़ती है। ये प्रोसेस दवाओं या इंजेक्शन देकर भी हो सकता है। कई बार यौन अपराधियों के अलावा गंभीर यौन बीमारियों के मरीजों को भी एंड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग्स दी जाती हैं। इस सजा का विरोध करने वालों की दलील है कि सजा देने का मकसद ये है कि अपराधी अपनी गलती समझे और उसे दोहराए ना। लेकिन इसमें क्रिमिनल को ऐसी सजा दी जा रही है कि उसे गलती का एहसास भी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जब ड्रग का असर चला जाएगा वो दोबारा भी अपराध कर सकता है। उनका तर्क है कि केमिकल के असर से भले ही अपराधी की यौन इच्छा कम हो जाए, लेकिन उसके भीतर इसका गुस्सा बना रहता है। वो महिलाओं पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और रेप न कर पाने की स्थिति में उसकी हत्या भी कर सकता है। तमाम दलीलों के बीच भी एक के बाद एक देशों में यौन अपराधियों को केमिकल कैस्ट्रेशन पनिशमेंट दी जा रही है। कई देश सीरियल रेपिस्टों के साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या केमिकल कैस्ट्रेशन पनिशमेंट से अपराध कम हुए? इस पर कोई सीधी रिपोर्ट नहीं है। साल 2017 में इंडोनेशिया में माइनर्स के साथ रेप करने वालों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा तय हुई। पीडोफाइल्स को एंड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग दी जाने लगी, लेकिन नतीजा मन मुताबिक नहीं था। इंडोनेशियन विटनेस एंड विक्टिम प्रोटेक्शन एजेंसी की माने तो साल 2017 में वहां चाइल्ड अब्यूज के 70 मामले थे, जो एक ही साल में 149 हो गए। अगस्त 2019 में यानी आधे साल के भीतर लगभग 1200 पीड़ित सामने आए। महिलाओं पर भी यौन शोषण बढ़ा। इंडोनेशिया नेशनल कमीशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन के अनुसार साल 2020 की तुलना में साल 2021 में महिलाओं पर यौन अपराध 50% से ज्यादा हो गए। इसके बाद भी कई देश यौन अपराधियों को ये सजा दे रहे हैं। अमेरिका में सबसे पहले साल 1966 में केमिकल कैस्ट्रेशन हुआ था। अब कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास समेत 9 राज्यों में पीडोफाइल्स के लिए यही सजा है। सितंबर 2009 में पोलैंड की संसद ने अपने पीनल कोड में बदलाव लाते हुए चाइल्ड मोलेस्टर्स के लिए ये सजा तय की। पोलैंड इसके साथ ही ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया। रूस में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के यौन अपराधी को एंड्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग दी जाती है। यूरोपियन देश एस्टोनिया में साल 2012 में ये सजा तय करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि ये ड्रग कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि लगातार 3 साल तक दी जाए। कई और देश जैसे यूक्रेन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इजराइल, नॉर्वे और स्वीडन में भी पीडोफाइल्स के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा तय है। कई देशों में सेक्स ऑफेंस के लिए जेल पहुंचे कैदी खुद ही केमिकल कैस्ट्रेशन का विकल्प चुनते हैं, जैसे अमेरिका के कई राज्यों में ऐसा है। कैदी अगर खुद ही ये ड्रग लेना स्वीकार करें तो उन्हें सजा में छूट भी मिलती है। वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सर्जिकल कैस्ट्रेशन भी हो रहा है, जैसे अमेरिका के ही लुसियाना में सर्जिकल ढंग से ये प्रोसेस होता है ताकि अपराधी दोबारा ऐसा सोच ही ना सके, लेकिन ये बेहद बर्बर मामलों में होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।